हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांताज रेसिपी। आज हम ट्राई करेंगे स्ट्रीट फूड की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, लेकिन इसके लिए ना हम बेसन का घोल बनाएंगे और ना ही इसको ब्रेड के अंदर स्टफिंग करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे, छोटे से लेके बड़ों को सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू। या मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हमें अच्छे से उबालना है ताकि हाथ से दबाते ही ये टूट जाए। तो सबसे पहले हमें आलू को मैश करना है, तो ये काम हम चम्मच की हेल्प से या फिर मैशर की हेल्प से कर सकते हैं। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप जितना बेसन। यहाँ पर आप चाहे तो चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे आधा कप जितना ब्रेड क्रम्स। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप आधा कप सूजी भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, और डालेंगे यहाँ पर कूटा हुआ धनिया, ये है 1 टेबलस्पून जितना। और साथ हम इसके डाल देंगे 2 पिंच जितनी हींग, और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून जितना हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी का पाउडर डालने से हमारे पकौड़ों में कलर अच्छा आएगा। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा 1 टीस्पून जितना। और ये मैंने कुछ सब्जियां ली है, हरा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल जो आपको पसंद हो। ये सारी सब्जियां हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मल जो हम आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें लगाना है, लेकिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी के मॉइस्चर के अंदर गूँथ कर हमें आटा तैयार करना है। ये डो हमारा तैयार हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे घर की कोई भी थाली या प्लेट और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि इस पर हम जो ब्रेड पकौड़ा है उसको असेंबल करेंगे, उसको शेप देंगे। तो फिर हम जब उसको उठाएं तो वो इजीली निकल जाए, इसके लिए हमें ऑयल लगाना है। फिर डो लेंगे और इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको स्प्रेड करके हमें इसको रेक्टेंगल शेप देना है, यानी इसको हमें आयताकार बनाना है। ये बन गया है। इसको थोड़ी साइड्स को हम इवन कर लेंगे ताकि इसमें कट्स ना रहे। फिर चाकू की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे। आप पीसेज अपनी पसंद की शेप में काट सकते हैं और जिस तरह की साइज़ में आपको चाहिए वैसे भी काट सकते हैं। ये हमने इसको काट लिया है ब्रेड पकौड़ों की शेप में, और ये देखिए इस तरह का हमें काटना है। और मोटाई जो है हमें इसकी इस तरह की रखनी होती है, जिस तरह से ब्रेड पकौड़ा होता है वैसा ही। इसी तरह हम बाकी सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटी साइज़ के बना सकते हैं, या फिर बच्चों को जो शेप पसंद है उस शेप के भी बना सकते हैं। ये हमने तैयार कर लिए हैं और इसी तरह से हम बाकी सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। ये सारे पकोड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको महीने भर के लिए डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लेंगे बटर पेपर, पकोड़े के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरा पकोड़ा लगाएंगे, फिर बटर पेपर लगाएंगे और फिर पकोड़ा रखेंगे। तो यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। बिना बटर पेपर के ना रखें, क्योंकि एक दूसरे के चिपक जाएंगे और फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अब हमें पकौड़ों को तलना है, तो इसके लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और एकदम हल्का सा गर्म भी नहीं करना है, मीडियम हॉट रखना है। तो सबसे पहले जो हमने डो तैयार किया है उसकी बॉल डालेंगे इसके अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा डो परफेक्ट है या नहीं। अगर ऑयल में ये फट जाती है तो इसके अंदर हम ब्रेड क्रम या बेसन और डालेंगे। और अगर हमारी बॉल जो देख सकते हैं आप बिल्कुल सही तरीके से तल के बाहर आ गई है, तो डो हमारा परफेक्ट है। तो अब हम सारे पकौड़े को तल लेंगे। गैस की आँच यहाँ पर मीडियम रखनी है हमको, और इनको पलट पलट कर कुक करना है। पकोड़े हमारे तलकर तैयार हो गए हैं। इनको हमें इस तरह से पलट पलट कर कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार इन्हें पलटना है, और इसी तरह का गोल्डन कलर आने तक हमें इनको फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से तल गए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया और अच्छे बनकर ये तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे और बाकी के सारे पकौड़े भी इसी तरह से हमें तलकर निकालने हैं। ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है, जिन्हें हमने बनाया है बहुत ही आसान और इजी तरीके से, जिसे हर कोई इसे आसानी से ट्राई कर सकता है। इसे आप सर्व करें अपने पसंद किसी भी चटनी या फिर सॉस के साथ।
तो फ्रेंड्स इसी तरह वीडियोस को देखते रहें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।